बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, एक जड़ का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 2 से प्रश्न क्रमांक 4 तक के पहला सवालों को हल कर लिया है। बच्चों अब हम चलते हैं इनके आगे के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न क्रमांक पहला के बाद दूसरा तो आप कर लेंगे, तीसरा चौथा पाँचवा छठवा को देख लेते हैं। बच्चों छठवा सवाल करड़ी में दिया हुआ है, तो चलिए करड़ी वाला सवाल हल कर लेते हैं। बाकी जो सवाल है दूसरा चौथा तीसरा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आपको करना है। बच्चों सरल है ये, पहले सवाल की भांति ही बनेगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आपको सवाल हल करके बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं चौथा का छठवा सवाल, ध्यान से समझिएगा। छठवा प्रश्न है, 4√3x² + 5x − 2√3 = 0। प्रश्न को एक बार और अच्छे समझ लीजिए। 4√3x² + 5x√2 = 0 दिया हुआ है। अब गुणनखंड करने का नियम आप सबको पता है बच्चों, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं और उसको दो भागों में इस प्रकार तोड़ देंगे, मध्य पद हमको प्राप्त हो जाए। तो 4√3 और 2√3 का गुणा करेंगे तो 4 × 8 = 24 प्राप्त हो जाएगा। और इस 24, देखिए 24 प्राप्त हो रहा है बच्चों को, 24x², वो भी ऋण में। इसको इस प्रकार तोड़िए कि बीच वाला पद प्राप्त हो, तो 8 + 24 और 8 में 3 घटाने से 5 प्राप्त हो जाएगा। चलिए लिखते हैं उसको, 4√3x² + 8x − 3x। अब 8 में 3 घटा देने से 5 प्राप्त हो जाएगा और 8 में 3 गुणा करने देने से 24 प्राप्त हो जाएगा, जो पहला और अंतिम पद गुणा करने से मिला था। 2√3 = 0, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखिए दोनों में कामन क्या निकल रहा है, यहाँ पर कामन क्या निकल रहा है, 4 कामन निकल रहा है और x बाहर निकल रहा है, बच गया 3, 1x बच जाएगा, 4√8, ये इस तरह से बच जाएगा बच्चों। उसके बाद ऋण, इन दोनों में कामन क्या निकल रहा है, 3, क्योंकि 3 को दो बार गुणा करने से 3 प्राप्त होता है। आप 3 बाहर निकाल दीजिए, 3 में से 3 बाहर निकालेंगे तो 1√3 बचेगा, एक्स बचेगा, ऋण बाहर निकाल चुके हैं तो ये भी ऋण है, तो ये धन हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों क्या बच गया, 3 बाहर निकलने के बाद 2 बच गया = 0, ये इस तरह से आप लिख लीजिए। अब इस पूरे पद को ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी कुछ कामन होगा, और कामन क्या है, ये वाला पद कामन है, 3x·2, 3x·2 इसे भी आप बाहर कर दीजिए, 3x·2 ये आप कामन ले लीजिए, उभय निष्क्रिय लीजिए। उसके बाद जो बच रहा है वो बच्चा कौन कौन सा है, वो बचा है 4x − 3, ये इस तरह से उसको भी लिख लीजिए = 0। अब यहाँ पर दो पद प्राप्त हो गए बच्चों गुणनखंड के बाद, ये है प्रथम पद और ये है द्वितीय पद। अब इसके बराबर 0 मान लीजिए, 3x·2 बराबर, यदि आप 0 मानते हैं बच्चों तब क्या होगा, 3x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार दूसरा पद है 4x√3 = 0 दिया हुआ है, अर्थात 4x = 3, x = 3/4। तो अतः समीकरण के हमको दो मूल प्राप्त हुए, एक मूल प्राप्त हुआ 2/3 और दूसरा मूल प्राप्त हुआ 3/4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां की ओर। 7वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, 7वां प्रश्न कर लेते हैं, 10x√1/x = 3। अब यहाँ पर देखिए, इस x का गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा, लघुत्तम निकाल लेंगे, 10x का x² ये बच्चों 10x² हो जाएगा, 1√x√3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 3x को अपने तरफ पक्षांतर कर लेंगे, 10x² √3x√1 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे बच्चों, तो 10 = 10 प्राप्त होता है, और उसको इस तरह से तोड़िए बीच में 3 प्राप्त हो, बहुत सरल है, आप दिमाग में आ गया होगा, 5√10 होता है, 5 में 2 घटा देने से हमको 3 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 5 लिए हैं यहाँ पर = 0। अब इन दोनों में कामन क्या निकल रहा है बच्चों, 5x पहले निकल रहा है, 5√10 और 5 = 5, ये इस तरह से हो गया। इन दोनों में कुछ भी कामन नहीं निकल रहा है, इसलिए 1 निकाल दीजिए, 2x√1 = 0। अब इस पूरे पद में क्या कामन दिखाई दे रहा है आपको, 2x√1 कामन दिखाई दे रहा है, इसको बाहर निकाल दीजिए, फिर बच क्या गया, 5x√1 बच गया = 0। अब यहाँ पर दो अलग अलग पद प्राप्त हुए हैं, तो पहले पद 2x√1 = आप 0 मानेंगे बच्चों, तब x बराबर क्या हो जाएगा, 1 पक्षांतर करेंगे, धन 1 हो जाएगा, 2 अर्थात 1/2 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा जो दिया है पद 5x√1 = 0 है, अर्थात 1 जरा क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 1 को पक्षांतर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और गुणा में है 5, तो 5 हो जाएगा, 1/5 ही दूसरा प्राप्त हो जाएगा। अतः समीकरण के दो मूल हमको प्राप्त हो गए, 1/2 और 1/5,
निश्चित रूप से आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा यह सवाल। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों, जो महत्वपूर्ण है वो है आपका नौवां प्रश्न है, ध्यान समझिएगा, चौथा का नौवां। ए बी एक्स वर्ग धन बी स्क्वेयर माइनस ए सी, बाहर में एक्स हो जाएगा, ऋण बी सी बराबर हो जाएगा शून्य। बहुत ध्यान समझिएगा इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी एक्स स्क्वेयर धन बी स्क्वेयर का एक्स से गुणा करेंगे तो बी स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, ऋण ए सी का गुणा एक्स से करेंगे तो ए सी एक्स हो जाएगा, ऋण बी सी बराबर शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इन दोनों में कोई कॉमन निकल रहा है क्या, क्योंकि ये चार पद हो गए, इन दोनों में कोई कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है बी एक्स, तो बी एक्स को बाहर निकाल दीजिए। अब अंदर क्या बच जाएगा, बी एक्स बाहर निकाल देने पर ए एक्स धन बी, ए एक्स धन बी बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर था, ऋण। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, इन दोनों में कॉमन निकल रहा है सी, तब क्या बचेगा ए एक्स धन बी बराबर शून्य। अब इस पूरे पद को ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन निकल रहा है ए एक्स धन बी, और बचा क्या बी एक्स ऋण सी, कोष्टक के बाहर था बी एक्स ऋण सी, ये आपका बच गया। अब यहाँ पर दो पद प्राप्त हो गए। अब पहला पद है ए एक्स धन बी बराबर शून्य मानेंगे आप, तब क्या हो जाएगा ए एक्स बराबर ऋण बी, एक्स बराबर हो जाएगा ऋण बी बटे ए। इसी प्रकार बी एक्स ऋण सी बराबर भी आप शून्य मानेंगे, जब बी एक्स ऋण शून्य बराबर आप शून्य मानते हैं तब बी एक्स बराबर हो जाएगा धन सी, एक्स बराबर हो जाएगा सी बटे बी। अतः समीकरण के दो मूल प्राप्त हुए, अतः समीकरण के मूल कौन कौन से प्राप्त हुए बच्चों, समीकरण के मूल एक वह हुआ ऋण बी बटे ए और दूसरा प्राप्त हुआ सी बटे बी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बहुत सरल था, ध्यान से बराबर समझ लीजिए। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, ये गुणा करने से आया है। उसके बाद इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया बी एक्स को, बी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स दो बार है, ए बाहर निकल गया, बी स्क्वायर एक्स में बी बाहर निकल चुका है, एक्स बाहर निकल चुका है, केवल एक बी बच जाएगा बच्चों, इसी प्रकार इसमें से सी कॉमन निकाल दिए। दोनों में से कॉमन पद था एक्स धन बी, उसको हमने बाहर निकाल दिया, बच गया बी एक्स ऋण सी बराबर शून्य। इस तरह से हमने समीकरण के दो मूल प्राप्त कर लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक दसवां देख लेते हैं। दसवां अति महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है बच्चों, ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है परीक्षा में आजकल, ध्यान समझिएगा। एक्स धन एक बटे एक्स ऋण एक, ऋण एक्स ऋण एक बटे एक्स धन एक बराबर पाँच बटे छः, इस तरह से दिया हुआ है। एक्स बराबर नहीं है एक या ऋण एक के, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम में क्या क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, एक्स ऋण एक और एक्स धन एक, ये एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अब इस एक्स ऋण एक, एक धन एक से एक्स ऋण एक का भाग करेंगे तो एक धन एक बचेगा, इस एक्स धन एक का गुणा एक्स धन एक से करेंगे तो वो दो बार हो जाएगा, अर्थात स्क्वायर के रूप में लिख लीजिए इसको। इसी प्रकार एक्स धन एक से भाग करेंगे तो ये भाग हो जाएगा, बच गया एक्स ऋण एक, उनका एक्स ऋण एक से गुणा करेंगे तो ये भी दो बार मिलेगा आपको, इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख लीजिए बराबर पाँच बटे छः। अब यहाँ पर ए धन बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए बच्चों, बीजगणित में जो आपको पहले भाग में बताया गया था, बहुपद पाठ में बताया गया था, एक्स धन एक होल स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पर फार्मूला लगा दिए, ऋण यहाँ भी फार्मूला लगा देंगे, ऋण वाला लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये इस तरह से वहाँ फार्मूला लगा दीजिए, पूरे का बट्टे हो जाएगा बच्चों। इन दोनों का गुणा कर दीजिए, ए ऋण बी, ए धन बी का सूत्र होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग, बराबर हो जाएगा पाँच बटे छः। अब यहाँ पर इस ऋण का गुणा सबसे कर दीजिए, एक्स वर्ग धन एक धन दो एक्स ऋण एक्स वर्ग धन, अब यहाँ ऋण है बच्चों तो ऋण का गुणा सबसे करेंगे तो ऋण एक हो जाएगा, जो ऋण वाला है वो धन हो जाएगा, ये इस तरह से बटे एक्स वर्ग ऋण एक बराबर पाँच बटे छः। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल प्लस माइनस काट दीजिए, दो एक्स हो जाएगा चार एक्स, दो एक्स कितना हो जाएगा चार एक्स, एक भी यहाँ पर कट रहा है प्लस माइनस, चार एक्स बच गया, बटे में बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल फाइव बाई सिक्स, ये इस तरह से बच गया। अब इसको हम तिरिया गुणा कर लेते हैं, पाँच का गुणा हो जाएगा पाँच एक्स वर्ग ऋण पाँच एकम पाँच बराबर छः का गुणा इससे हो जाएगा, छः चौक हो जाएगा चौबीस एक्स। अब इसे फिर अपनी तरफ पक्षांतर कर लीजिए चौबीस एक्स को, पाँच एक्स वर्ग ऋण चौबीस एक्स ऋण पाँच बराबर हो जाएगा शून्य। अब हमको ये समीकरण प्राप्त हो गया है बच्चों, इस समीकरण को क्या करना है, गुणनखंड करना है, मध्य पद को तोड़ना है। चलिए तोड़ते हैं। अब यहाँ पर कैसे तोड़ते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं, पाँच पंचे पच्चीस, पच्चीस को ऐसा तोड़िए कि चौबीस आना चाहिए, तो पाँच एक्स वर्ग ऋण
पच्चीस एक्स धन एक्स, 25 से कम 25 और 25 में घटा दीजिए 24 प्राप्त हो जाएगा, ऋण 5 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन निकल रहा है बच्चों 5x, 5 एकम 5, केवल एक एक्स बच जाएगा, 5 पंचे 25, धन एक, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, एक निकाल दीजिए, 1 ऋण 5 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए 1 ऋण 5, 1 ऋण 5, ये 5 निकल आया बच्चों। अब बच गया क्या, 5x धन 1, 5x धन 1। अब यहाँ पर दो पद प्राप्त हो गए, 1 ऋण 5 और 5x धन 1। 1 ऋण 5 बराबर 0 मानते हैं, यदि 1 ऋण 5 बराबर अगर 0 मानते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, धन 5 प्राप्त हो जाएगा। तथा इसी प्रकार आप देखेंगे कि 5x धन 1 बराबर अगर आप 0 मानते हैं तो 5x बराबर ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ऋण 1/5 प्राप्त हो जाएगा। अतः समीकरण के मूल क्या क्या प्राप्त होंगे, 1 बराबर 5 और ऋण 1/5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, निश्चित रूप से आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल में नए आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रश्न वाली में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।